नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैट टेक्स फाइव लीप्स फॉर एवरी फोर लीप्स ऑफ ए डॉग बट थ्री लीप्स ऑफ द डॉग आर इक्वल टू फोर लीप्स ऑफ द कैट देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ थ्री लीप्स ऑफ द डॉग आर इक्वल टू फोर लीप्स ऑफ द कैट थ्री लीप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू फोर लिप्स ऑफ द कैट ठीक है अब देखिए थ्री लिप्स ऑफ द डॉग बराबर है चार, ली, चार लीप्स यानी फोर लिप्स ऑफ द कैट तो वन किसके बराबर रहेगा फोर बाय थ्री येज इट इज राइट और डॉग का फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है फाइव लीप्स फॉर एवरी फोर लीप्स ऑफ द डॉग यानी हमें फोर लीप्स ऑफ द डॉग भी चाहिएगा तो थ्री लीप्स ऑफ द डॉग फोर लीप्स ऑफ द कैट के बराबर है एक के लिए मैंने वैल्यू निकाल ली अब मैं निकालता हूं फोर लीप्स ऑफ डॉग्स किसके बराबर आ जाएगा चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए सोलह बटे तीन लीप्स ऑफ कैट ठीक है ना ये चीज आपको समझ में आई ठीक है तो मैं इसको क्या कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन कर देता हूं ठीक है अब द रेट ऑफ डोग द रेट ऑफ डॉग रेट ऑफ कैट रेट ऑफ कैट क्या रहेगा देखिए रेट ऑफ डॉग क्या है रेट ऑफ डॉग क्या है ये रहा कि चार लीप्स ऑफ डॉग किसके बराबर है सोलह बटे तीन लीप्स ऑफ कैट डॉग्स के जो लीप थे लीप थे जो डॉग के फोर लीप थे वो मैंने कैट की फॉर्म में लिखे ठीक है तो कितना आएगा सिक्सटीन बाई थ्री रेशो तो रेट ऑफ कैट ये कितना है फोर लीप्स ऑफ डॉग किसके बराबर है फाइव लिप्स ऑफ कैट लिखा हुआ है ना ए कैट टेक्स फाइव लीव्स फॉर एवरी फोर लीव्स ऑफ द डॉग तो रेट ऑफ कैट क्या आएगी फाइव ठीक है ना अब देखिए अब मैं फिर से बता देता हूं तीन थ्री लीव्स ऑफ द डॉग इक्वल है फोर लीव्स ऑफ द कैट ये आसान था फिर एक के लिए निकाला फिर चार के लिए निकाला लेकिन चार के लिए क्यों निकाला क्योंकि कैट की फॉर्म में लिखना था तो कैट की फॉर्म में रेट ऑफ डॉग मैंने लिख लिया लेकिन रेट ऑफ कैट तो कैट की फॉर्म में दिया होगा वो कितना है फाइव तो करिए क्या दोनों तरफ क्या करिए थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास रेशो आएगा सिक्सटीन रेशो फिफ्टीन ठीक है तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है ठीक है ना क्योंकि पूछा क्या है द स्पीड ऑफ कैट टू डॉग ये मैंने डॉग टू रेट कैट निकाल दिया लेकिन कैट टू डॉग पूछा है तो इनको इसका उल्टा कर दीजिए यानी फिफ्टीन रेशियो सिक्सटीन